अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फैसल खालिक एंड वेलकम टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो न्यू वैकेंसीज़ जो हैं पाकिस्तान आर्मी में एज ए कैप्टन डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन जो कि ग्रेजुएशन पे होती है, तो अभी पोस्ट आ चुकी हैं 14 दिसंबर से, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पहले ये कमीशन ऑफिसर जो सेकंड ईयर बेस थी 149 पीएमए लॉन्ग कोर्स, वो भी इस ख़त्म हो चुका है 6 नवंबर पे, उसकी लास्ट डेट थी, उसकी अभी प्रोसेस चल रहा है। उसके अलावा जो लेडी कैडेट कोर्स था वो भी अभी कुछ दिन पहले आया हुआ है और उसकी अभी भी डेट बाकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं फीमेल। उसके बाद जो है डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली एज अ कैप्टन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चीज़ें आपने कंसीडर करनी है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके लिए हम इसकी डिटेल देखने वाले हैं। यहाँ पर देखें कोर्स डिटेल हम देखते हैं, तो कोर्स डिटेल में यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल शेड्यूल ऑफ प्रिलिमिनरी सिलेक्शन, तो रजिस्ट्रेशन 14 दिसंबर से 31 दिसंबर तक है इसकी, और उसके अलावा जो टेस्ट है वो 10 से 14 जनवरी 2022 के बीच में हो सकती हैं। उसके अलावा कोर्स जो है उसमें मैरिटल स्टेटस जो है वो है मैरिड, अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जेंडर मेल के लिए है ओनली, फिजिकल स्टैंडर्ड में आप देखें तो इसका जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है वो है 5.4 हाइट होनी चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर, और वेट एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ आज़ाद कश्मीर अपॉन फाइनल सिलेक्शन, ओके। कैंडिडेट्स विद ड्यूअल नेशनलिटी विल हैव टू सरेंडर नेशनलिटीज़ अदर देन पाकिस्तानी, ओके। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें है, तो इसका बॉन्ड क्या है, फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू साइन अ बॉन्ड टू सर्व आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। उसके अलावा जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज ए कैप्टन थ्रू डायरेक्ट शॉर्ट कमीशन, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन और एज जो मैंशन है, क्वालिफिकेशन आर्मी एजुकेशन कॉप्स AEC मेल, उसके अलावा लॉ ऑफिसर्स जज एंड जनरल्स, इसमें जो है बायोलॉजी में MA, बायोलॉजी फिज़िक्स इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इस्लामिक स्टडी अरबिक मैनेजमेंट साइंसेस, और जो LLB क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग मेंबर ऑफ एनी कोर्ट, DVM जो वेटरनरी है, और या MSc ऑनर्स MPhil इन रिलेवेंट डिसिप्लिनस विल बी गिवन प्रेफरेंस, ओके। सिविलियन जो है उसकी 27 ईयर्स एज ऑन 1 मई 2022, ठीक है, इसकी जो एज रिक्वायर्ड है। उसके अलावा देखें तो साइकोलॉजिस्ट मेल भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने साइकोलॉजी में की हुई है MA या MSc। उसके अलावा जो है मिनिमम 60% मार्क्स इन एनुअल सिस्टम और 2.5 CGPA इन साइंस सब्जेक्ट। उसके अलावा मिनिमम CGPA 2 out of 4, 50% मार्क्स इन एनुअल सिस्टम फॉर लॉ ऑफिसर्स। तो ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है कि आपने कितनी CGPA हासिल की है अपने लास्ट डिग्री में, तो उस हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी। जैसे कि हम इंटरमीडिएट बेस पे परसेंट लेते हैं, यहाँ पर CGPA ली जाती है। तो इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है इसकी, वो आप ख़ुद देख सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन इसकी जो कंडीशन है, प्रोसेस है, वो हमने देख लिया है। ट्रेनिंग पीरियड एट PMA वो भी आप ख़ुद देख सकते हैं। तो इसकी जो ये थी ओवर व्यू था इसका, अब बाकी आप इसको डिटेल में खुद से देख सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं जो इसकी चीज़ें आपको नेसेसरी लगें। जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट विल बी रेंडर्ड टू आर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल, फोटोकॉपीज ऑफ द कंप्यूटर, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उसके अलावा 6 कलर्ड फोटोज़ ड्यूली अटेस्टेड, उसके अलावा पोस्टल आर्डर जो होता है 100 रुपीज़ का, वो भी होता है। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर डिग्री ड्यूली वेरीफाइड बाई HEC या PEC से जो रजिस्टर्ड है, वो डिग्री एक्सेप्टेड होती है। उसके अलावा ये जो ओल्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये कंडीशन से होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डू सब्सक्राइब द चैनल।